कोई कार्रवाई नहीं। मैंने आज से लेकर मेरे को फोन किया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया और मेरे को न्याय नहीं मिला रहा, पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही है। 8 तारीख को मैं इनसे मिला इनके गांव में जाके, फिर मैं स्कूल में भी गया, स्कूल में जो कर्मचारी मौके पर मौजूद थे उनसे हमने बात करी, तो ये पूरी की पूरी घटना सच्ची पाई गई। उसके बाद मैं 11 तारीख को बरवाड़ा थाना के SHO साहब थे और 3-4 पुलिस अधिकारी और भी के साथ में मिला था। पुलिस की मौजूदगी में मैडम ने ये चीज मतलब माननी की मेरे से गलती होगी, बट मैं आगे से ऐसी चीजें नहीं करूंगी। और वो मतलब मैडम वहाँ पे कैमरे के सामने रो भी खड़ी थी कि आप मेरे को ना अभियान के बारे माफ कर दो। बट इन लोगों का ये कहना है कि जब से मैडम यहाँ पे है तब से हमें लगातार टॉर्चिंग लगी है, मतलब गाली गलौज करना और थप्पड़ मारना, गलत टिप्पणियां करना मैडम के लिए मतलब कॉमन सी बात है। तो मैडम के ऊपर मैं मुकदमा दर्ज हो गया बरवाड़ा थाने के अंदर, मुकदमा नंबर 141 अंडर सेक्शन SC/ST 3 और 323(5). लेकिन मैडम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से जमानत करवा दी। इसके अलावा जो DO हिसार है उनको हमारे प्रदीप भाई ने फोन किया था, मैंने खुद ही फोन किया था कि सर ऐसे ऐसे मामले हैं, तो DO ने उसको कोई संज्ञान नहीं दिया। अभी मैडम आरोपी भी है, चलो जमानत पे बाहर है वो, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। इवन हम ये चाहते थे एटलीस्ट मैडम का ट्रांसफर हो जाए ताकि उन कर्मचारियों के फ्यूचर कोई परेशानी ना आए। तब शिक्षा विभाग का जो DO है वो हमारी बातों को मतलब बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है ताकि सार प्रशासन को लेने में अंतिम चेतावनी दी जा सके कि अगर आप ये हमारे तौर पर सुनवाई नहीं करोगे तो फिर हम स्कूल का घेराव करेंगे या जो भी हम कार्रवाई करेंगे। पर ये थे, इनसे बातचीत कर लेते हैं इनसे क्या हुआ था, और जिस तरह से सर बता रहे हैं पहले भी इस तरह के जो है हरकतें प्रिंसिपल के द्वारा की जा रही है, जी बताइए कब से वो कार्यरत है स्कूल में? जी पहले से 10 साल से, वैसे तो वो मैं भी 9 साल से हूँ। तो मैडम बीच में 2018 में कुछ मामला हो गया था, लड़ाई झगड़ा लेक्चरर से मैंने मैडम ने मार दी थी, राजेश सर नाम था जी। तो उसके बारे में मैडम बोलती थी कई तुम ही बचाओगे कर्मचारी कितने भी हो मेरे को, ऐसे लिखते हो वैसे लिखते हो। तो मैंने उस टाइम पर यही बोला था, मैं मैडम जी ऐसे वैसे तो भी नहीं लिखा जा, जो सच्चाई है वही बोल सकता हूँ मैं, नॉर्मली चल ठीक है तुम बाहर चलो। तो उसके बाद मतलब मैडम का ट्रांसफर हो गया था, फिर उसके बाद राम रतन सर भी आए थे 2 साल, फिर उसके बाद फिर मैडम आ गई। उसके बाद आने के बाद मैडम बस वही बातें, तुम मेरे साथ नहीं लगे थे, ये नहीं था, मतलब सिर्फ उस मामले में आपने साथ नहीं दिया, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा था, भाई आपने धोखा दिया मेरे को, आप मैंने आपके लिए इतना किया वो किया, ऐसे ऐसे बोलती। तो फिर ये चलता रहा जी, तो मेरे से बहसती रही, काम अलग से भी करवाती और भी करवाती, जैसे मैं करता रहा क्योंकि वो अधिकारी है, मैं उसको मना भी नहीं कर सकता। तो फिर जी ये 6 तारीख की बात है जी, तो मैं सुबह आता हूँ, जैसे स्कूल बाद में आता स्टाफ को, स्वीपर का काम है सुबह आना, मैं जल्दी आ जाता हूँ 7:15-7:30 का टाइम होता है, मैं सफाई सफुई कर देता हूँ जैसे कि लग के ना पूरा, तो मैंने सफाई सफुई कर दी थी मैडम जी। तो उसके बाद मैडम बोली ये पार्क है या लग गया मावा लग गया रहा जी सारा दिन, फिर 2:30 छुट्टी हो जाती, उसके बाद हाजिरी लगाने के लिए मैं ऑफिस डिसाइड करा गया। तो मैडम ऑफिस से बाहर थी, तो मैडम मेरे को डांटने लगी थी, तूने सफाई नहीं की, ये नहीं किया, अच्छी सफाई नहीं की तूने। मैं बोला मैडम जी मैं कहा फिर आपने मैं वहां लगा दिया था, तो मैं जैसी बड़ी मंगाई थी तो सफाई कर दी थी मैंने आते, फिर मैडम ने बोली ऐसे कैसे बोलता तू मेरे सामने। मैं मैडम जी फिर मेरा काम तो सुपरे का थी, मैं फिर माड़े का भी कराते आप, फिर मैडम और भी गुस्सा करने लगी। तो फिर एक माड़े खिड़ा था, माँ जी काम इसका है माड़े का प्रदीप का, और मेरे से ही कराते हो आप, फिर की मैं फिर मैं मेरा सफाई का कर ले करूंगा जी। तो मैडम ने बोली अगर सफाई का करेगा तो तेरे को 200 रुपये मिलेंगे। तो मैं बोला मैडम जी मैं आपको पैसे थोड़ी लेता हूँ जी, आपसे तो मांगता ही नहीं पैसे। तो इतना मैं मैडम ने मेरे को यहाँ से पकड़ लिया और घसीटते हुए मेरे को गाली गलौज करने लगी, राम दादा को नहीं देख मेरे साथ ऐसे मेरे सामने ऐसे बोलता तू तेरी वीडियो बनाऊंगी। फिर बीच में भी कविता आई थी स्वीपर, उसने मुझे छुटा दी,
मतलब मेरे को थप्पड़ मारने लगी थी वो। तो स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं की थी। वहाँ पे प्रदीप था और अरुण सर थे और सुनील सर थे, वो कुछ नहीं बोले जी। मैंने जो स्वीपर थी और पीएन थी उन्होंने मेरे को छुटाने की कोशिश करी थी। कविता मेरे दौड़ती हुई बात दी गई लूंगी मैडम ऐसे ना करो, फिर मैं बात करने लगा छुटा लगा मैडम। चलिए अब आप क्या चाहते हैं कि प्रिंसिपल के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो? जो मैंने कार्रवाई बनती होगी वैसे ही करनी चाहिए, देखो इंसाफ तो मिलना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए वो वहीं पर फिर भी कार्यरत रहती है और आप आज उनके खिलाफ मीडिया के सामने भी आ गए हो, केस भी आपने करवा दिया, फिर आपसे वही व्यवहार हुआ फिर? हाँ ऐसे ही करती है मैडम, कई बार पहले भी हुआ जी। मैडम ने लुबली चल कोई बात नहीं, फिर भी मैडम ऐसे ही कर देती है, गुस्सा बहुत है जी मैडम। तो प्रदीप बानखर जी साथ में, प्रदीप बानखर जी क्या कहेंगे? मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा, ये फोटो आप देखें, ये फोटो वो है जो एक वहाँ का स्टाफ का एक लेक्चरर था जिसने कहा था कि मेरे साथ में ऐसी घटना इस मैडम ने करी है, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब मैंने सारी बातें उनसे पता किया, डीएसपी गौरव शर्मा जी से पता किया है, एसएसपी से पता किया, तो एसएसपी साहब ने भी कहा है कि इसका रवैया ठीक नहीं है। दूसरी बात, जब इतने लगातार वो उसके खिलाफ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी कार्रवाई मतलब करी हुई है, लेटर जारी किए गए हैं, क्यों करिए हैं कि उसका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। गरीब इंसानों को मारने का काम करना, जो अपने जो एक होता है ना कि पैसे का घमंड, देखो मैं जाति पाति को नहीं मानता, इसके साथ में जो भाई के साथ में हमारे जो जाट जाति से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी इसके साथ में हमारे जाट भाई भी खड़े हैं कि उनको जो वहां पे चौकीदार है उनका कहना भी ये है कि इसका रवैया ठीक नहीं है। मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि आप एक बार इनसे बात करो, मैं बाद में अपनी बात रखूंगा। चलिए मामला क्या हुआ।